सही है आगे तो क्यों बोलते हैं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नए दिन का आगाज अल्लाह पे यकीन के साथ उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजरेगा, हैरो ऑफिस से गुजरेगा। हमारा दिन भी अच्छा गुजरेगा, हैरो ऑफिस से गुजरेगा। जी मुर्शिद कहाँ हैं? डॉक्टर साहब ये माया जी पप्पू टिक्की वाले के पास, तो जो कि LOS पे बैठे हुए हैं और बहुत ही आउट क्लास किस्म का इनका टेस्ट है। तो अब तो जो लोग आएंगे और इस ऊपर से इस तरह की सर्दी आए 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 और ओपन एयर मॉल वो मॉल देखें आप जरा, ठीक है ये मॉल है इनका। तो फैमिली के लिए तो नहीं है, क्योंकि अगर फैमिली आती है तो फिर वो गाड़ी में बैठ के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो बाकी जो है आए यहाँ पे इंजॉय करें, तो हम भी इंजॉय करते हैं। तो आपको भी रिक्वेस्ट है आप भी लोग आएँ और इसको इंजॉय करें और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सामने जो मौसम क्या हाल है? ठीक है आप सुनाएं जी। ठंड बढ़ी है आज। तो जी आज हम आए हुए हैं हमारे साथ पप्पू टिक्की वाले के पास, और पप्पू टिक्की वाले ने कमाल ही पप्पू किया है। चेक दरअसल ये मैं सोच के रहा हो गया हूँ, सिर्फ 3 टिक्कियाँ और 2 अंडे, क्या कमाल क्वांटिटी है यार। क्वांटिटी की तरफ से तो 100% नंबर है यार इस बंदे को, ठीक है। अच्छा इसका ना एक चीज़ मुझे बड़ी डिफरेंट लगी है अंडा टिक्की बनाने की, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखी है कि इसने पहले मसाला बना के तो उसके बाद इसने अंडे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद उसने अंडों को सेटिंग करके तो बाद में उसने जो है टिक्कियाँ डाली हैं, ये ज़रा मुझे थोड़ी डिफरेंट चीज़ लगी है। यानी कि इसने उल्टबाजी लगा दी है टिक्कियों की, ठीक है।
तो वो थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा शक्ल भी इसकी अंडा टिक्की की बड़ी डिफरेंट सी लग रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जिस तरह उसने डाली है, तो सिंपली दाल की टिक्की है जिसके साथ इसने अंडा टिक्की बनाई है, और चटनी वगैरह इसकी ज़रा डिफरेंट है। ये ना आम चटनी है, और इसके साथ जो इन्होंने ये दी है ना पुदीने की चटनी, ये बड़ी आउट क्लास किस्म की लग रही है। वर्षा इसको ट्राई करते हैं। तो बाकी आज बच्चे भी हमारे आए हुए हैं साथ, एहसन साहब आए हुए हैं और जैन साहब आए हैं। जैन साहब को तो आपने पहले भी वीडियो में देखा हुआ है, और भाई साहब एक चौकस ही बाइट बनाते हैं, फिर क्योंकि अगर लेट हो गए ना तो ठंडा हो जाएगा सब कुछ। बाकी जो शिकरे बैठे हुए हैं वो फुल इंतज़ार में हैं कि हम खा लें, बस रिव्यू ख़त्म हो जाए, बाहर टूट पड़े। बिस्मिल्लाह। मर साहब ठंड भी जबरदस्त है और पप्पू का खाना भी जबरदस्त है। पप्पू ने माशाल्लाह जो टिक्कियों के अंदर चप्पू चलाए हैं ना वो अखीरी कर दी है, और स्पाइसेस भी बड़े जबरदस्त हैं। सीधा चटनी ऐसी ही होती है पानी वाली, और मज़ा भी इसी तरह ही है। अगर गाढ़ी चटनी होगी उसका मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर जो टिक्कियों का टेस्ट है ना वो आपको पता है ओवरकम हो जाएगा। तो इनकी एक बाइट मैं लेता हूँ जरा फुल चौकस करके। ये आ गई टिक्कियाँ इनकी, और ये आ गई इनकी थोड़ी सी ये चटनी। ये चेक करें जरा इसमें क्या जादू है ये इनका, ठीक है भरसा ज्यादा था बट ठीक है यार। भरसा भी ये जो पुदीने की चटनी दी है उसने कोई मुंह में जाकर तूफाने बदतमीजी पैदा नहीं की, ठीक है बस ठीक है। सोसो ही है इसमें, यानी कि उन्होंने कोई मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ चीज़ें कोई मसाले वगैरह डाले हैं, सिंपली उन्होंने एक पुदीने की चटनी बना के तो उन्होंने पेश कर दिया आपकी खिदमत में। लेकिन जो पुदीने की चटनी हमने आपको पता है मल्लू मछली वाले की खाई थी वो लेवल था। तो बहरहाल मज़ेदार काम है, मैं तो आपको कहूँगा कि अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो यहाँ से आप लाजमी खाएं। एलवस ऑपोजिट ये बैठे हुए हैं एलवस पे, ठीक है, नाले के ऊपर ही, ठीक है, दुकान कोई नहीं है, डेरी पे बैठे हुए हैं। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आया। और ठंड जो जिस तरह की है, ठंड में आपको पता खाने पीने का वैसे ही अपना मज़ा है। अगर गर्मी होती तो यहाँ पे सारे पसीने में शराब गुड़ हुए होते और खाने का मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो लिहाजा इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ठंड में ज़रूर खाना खाएं, मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह ताला।